क्या आप भी रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हैं पर कुछ दिनों बाद उसे फेंक देते हैं? क्या कभी सोचा है कि ऐसा करने से आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? अगर आप भी रक्षाबंधन के बाद राखी को सही तरीके से नहीं संभालते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के बाद राखी को कैसे रखना चाहिए और उसे उतारने के बाद उसका क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी हमें मिली है देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है। ये सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और जीवन में खुशहाली की कामना करती हैं। ये बातें तो सभी को पता है, लेकिन रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें, ये बात हर कोई नहीं जानता। इस सवाल का जवाब देते हुए देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल बताते हैं कि अगर भाई राखी को फेंक देता है तो उसकी जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार राखी को सावन पूर्णिमा से लेकर भादो पूर्णिमा तक यानी कम से कम एक महीने तक संभाल कर रखना चाहिए। यदि आप मुहूर्त में राखी खोलते हैं तो वह शुभ माना गया है। आप राखी को बांधने के बाद यदि आप राखी को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकें तो विजयादशमी के दिन आप राखी को खोल करके जल प्रवाहित कर सकते हैं। उस दिन जल प्रवाहित करने का विधान है। और यदि आप उतना दिन तक नहीं रख सकें तो आज श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भादो पूर्णिमा तक एक में प्रवाहित कर दें। अगर आप एक महीने तक राखी को नहीं रख सकते तो उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या आप उसे पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। अगर राखी टूट जाए तो उसे लाल कपड़े में बांध कर रखें और पूर्णिमा के दिन जल में प्रवाहित कर दें। कभी भी राखी को फेंकना नहीं चाहिए, इससे जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन भद्रा का समय भी रहेगा। भद्रा के समय राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। भद्रा काल 1:25 पर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ही राखी बांधना शुभ होगा। तो इस रक्षाबंधन याद रखें, सिर्फ राखी बांधना ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है, ताकि भाई बहन के रिश्ते में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहें लोकलिटी।